आइए जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में मांसाहार को लेकर क्या कहा गया है। अथर्ववेद का यह मंत्र कहता है कि जो कच्चा मांस खाते हैं, जो मनुष्यों द्वारा पकाया हुआ मांस खाते हैं, जो गर्भ रूप यानी अंडा का सेवन करते हैं, उनके इस दुष्ट व्यसन का नाश करो। दूसरे मंत्र में आता है कि हे दांतों, तुम चावल खाओ, जौ खाओ, उड़द खाओ और तिल खाओ, तुम्हारे लिए यही रमणीय भोज्य पदार्थों का भाग है, तुम किसी भी नर और मादा की कभी हिंसा मत करो। यही अथर्ववेद के अन्य मंत्र में आता है कि निर्दोषों को मारना निश्चित ही महापाप है। यजुर्वेद का मंत्र यह कहता है कि हे मनुष्यों, पशु धन्य है, कभी न मारने योग्य पशुओं की रक्षा करो। महाभारत के आदि पर्व में आता है कि किसी भी प्राणी को न मारना ही परम धर्म है। वहीं शांति पर्व में आता है कि सुरा, मछली, मद्य, मांस, आसव, कृसरा आदि भोज्य धूर्त प्रवृत्ति है, जिन्होंने ऐसे अखाद्य को वेदों में कल्पित कर दिया है। महाभारत में ही आता है कि जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। मनुस्मृति कहती है कि प्राणी के मांस के लिए वध की अनुमति देने वाला, सहमति देने वाला, मारने वाला, मांस का क्रय विक्रय करने वाला यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला सभी घातकी अर्थात हत्यारे हैं। काशीखंड में आता है कि प्राण चाहे कंठ तक ही क्यों ना आ जाए, मांसाहार नहीं करना चाहिए।